ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग क्या होता है कि जो ब्रेक शू के ऊपर लगा हुआ जो घर्षण पदार्थ होता है, जो कि ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग के समय ब्रेक ड्रम के साथ सीधा संपर्क में आता है, उसे क्या, उसे ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। ये दो तरह का ब्रेक लाइनिंग बनता है, दो तरह के मटेरियल रहते हैं। एक रहता है हमारा ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग, और दूसरा मेटालिक ब्रेक लाइनिंग। मेटालिक ब्रेक लाइनिंग यूज्ड फॉर जो हैवी ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, जहां पर हैवी ब्रेक की जरूरत होती है वहां पर मेटालिक ब्रेक लाइनिंग का यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक ब्रेकिंग लाइनिंग ये जो नॉर्मल ब्रेकिंग करते हैं उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग का। अब ये जो ऑर्गेनिक, इनका मटेरियल क्या होता है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में जो मटेरियल होता है ये मोल्ड के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर जो है एस्बेस्टस ये मेन मटेरियल रहता है, और इसके साथ जो है कुछ फिलर पदार्थ और रेजिन के पाउडर। इनको जो है एक साथ कंप्रेस करके और फिर उसको मोल्ड तैयार करके फिर जो है उसको काट के प्लेट के रूप में उसको जो है ब्रेक शू जो होता है उसका जो लाइनिंग है उसका आकार दे दिया जाता है। मेटालिक वाले में, मेटालिक के अंदर जो मटेरियल रहता है, इसके अंदर जो मटेरियल, इसमें तांबा, लोहा और ग्रेफाइट, और कुछ जो है घर्षण पदार्थ जो है जो एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं उनको इसके साथ मिला करके इसको जो है प्रेस करते हुए जो है और फिर जो मेटालिक ब्रेकिंग के लिए जो लाइनिंग है वो तैयार की जाती है। इसमें जो एक प्रोसेस होता है इसको तैयार करने का, ये सिंटरिंग प्रोसेस। सिंटरिंग प्रोसेस के द्वारा ये सबको जो है एक कंपैक्ट किया जाता है और फिर उससे जो है ब्रेक लाइनिंग जो तैयार की जाती है। तो इस तरह से रहता है ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग को फिट करने के लिए इसमें
रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक शू पे होल रहता है और इसको जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है इसके अंदर छेद करके और फिर रिवेटिंग कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि उसमें ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। ग्लू का उपयोग करके जो है ब्रेक लाइनिंग को ब्रेक शू के ऊपर फिट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है ब्रेक लाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत था। थैंक यू।